हाय हाय सॉरी इस वक्त तो मैं जरूरत टाइम देखकर नहीं आती। बोलो क्या हुआ? डैड ने कॉल किया था, वो कल आ रहे हैं। उन्हें हमारे बारे में पता चला तो मुझे वापस घर ले जाएंगे। मुझे बहुत टेंशन हो रही है, क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा। इतनी जल्दी उन्हें हमारे बारे में बताने की जरूरत क्या थी? ओह सॉरी, दरअसल मैं कार की बात कर रही थी। ये कार है या कोई टूटा हुआ खिलौना? मतलब काफी पुराना मॉडल है ना? डैडी को नौकरी लगने के बाद से अब तक ही उनकी फर्स्ट कार है। तुम्हारे डैड का तो पता नहीं, पर कंपनी की बेची हुई फर्स्ट कार जरूर है। प्लीज अभी डैडी को कार की ये हालत बर्दाश्त नहीं होगी, कुछ करो ना। हे, मैं क्या करूंगा? अगर ऑनलाइन सर्च करूं तो भी इसके सिर्फ फोटोज ही मिलेंगे, स्पेयर पार्ट मिलना मुश्किल है। इस खटारा का कुछ नहीं होगा। अब जब इतने प्यार से कह रही हूँ फिर भी तुम क्यों नहीं करना चाहते? हाँ? टेंशन मत लो सिस्टर, यहाँ टॉपिक कुछ और है, प्लीज। तो बदल दो। किसने कहा था तुम्हें उस वक्त मेरी गाड़ी के सामने आने के लिए? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरी वजह से? इसे ठीक करना है? कार के पीछे भी। हे, क्या डिजाइन है, स्पाइडर। कहा था ना हाथ मत लगाना। तुम ये खटारा चलाती कैसे हो माया? इसे तो भंगार में भी कोई नहीं लेगा। सिर्फ एक्सटीरियर में प्रॉब्लम है, इंटीरियर कंडीशन एकदम कड़क है। संभल कर। कार को या खुद को? डैडी, जस्ट अ मिनट। हाँ, तुम कहाँ हो? On the way. Please, जल्दी आ जाओ, डैडी आ गए हैं। तुम्हारे पेरेंट्स क्या करते हैं बेटा? वो हर घंटे मुझे फोन करके पूछते हैं तुम क्या कर रही हो बेटा। मॉम ब्यूटी पार्लर चलाती हैं और डैड हाउस हस्बैंड हैं। बस 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ। ओके ओके ओके, जल्दी आ जाओ। बहुत तलब लग रही है। थैंक यू अंकल। ये लाइटर बर्थडे में कैंडल जलाने के लिए है। मगर कैंडल है का? बर्थडे आया कहाँ है? माया, तुम्हारा रूम तो अच्छा है लेकिन रूममेट अच्छी नहीं है। मेरी बात मानो तो उससे दूरी रहना। गाड़ी की कंडीशन तो ठीक ही लग रही है। गाड़ी तो ठीक है मगर पीछे ये क्या है माया? अब मैं क्या करूं? डैडी, एक्चुअली ये पापा को इतना चाहते हैं? पढ़ाई कैसी चल रही है बेटा? शायद तुम्हारे दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। तुम एंट्रेंस एग्जाम का सोच रही हो ना? डोंट वरी माया, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। यू आर द बेस्ट। तुम्हारी माँ तो खामखा टेंशन लेती रहती है कि तुम्हें एडमिशन मिलेगी भी या नहीं। और पता है मैंने क्या कहा? टेंशन की तो कोई बात ही नहीं, शी विल मेक अस प्राउड। मैंने ठीक कहा ना? यस डैडी।
तुम आ रही हो? नहीं। आज कोकिला ताई इतनी शांत क्यों है? क्या बात है, अपने रॉकस्टार से मिलने नहीं गई? कूल। आ रही हूँ। तो आ जाओ। क्या बात है माया, कभी कहती हो मिलना है, कभी कहती हो नहीं, इतना कंफ्यूजन क्यों है? मन करे तो आ जाओ, वरना मत आओ। सिंपल। तुम्हारे लिए हर चीज सिंपल है, क्योंकि तुम अपनी पसंद की जिंदगी जी रहे हो। सबकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती, अगर तुम मेरी जगह होते तो समझ में आता। हे, बिना प्रॉब्लम बताए बिजली की तरह बरस क्यों रही? नहीं तो क्या करूं? जानते हो, मेरे पैदा होने के वक्त मेरा नाम रखने से पहले ही मेरे घर वालों ने नाम के आगे डॉक्टर फिक्स कर दिया। बचपन में फीडिंग सेरेमनी के वक्त सबने खाने के साथ साथ स्टेथोस्कोप भी रख दिया, और मेरा बैड लक तो देखो, सब कुछ छोड़कर मैंने भी सीधा जाकर स्टेथोस्कोप पकड़ लिया। मेरी किस्मत ही खराब है, घर में सब लोग डॉक्टर या फिर इंजीनियर हैं। बॉस, जरा बॉल दे दे प्लीज। थैंक यू। वो तो अच्छा हुआ कि सचिन तेंदुलकर और सानिया मिर्जा मेरे घर पैदा नहीं हुए, वरना सचिन को इंजीनियर और सानिया मिर्जा को डॉक्टर बनाते मेरे परिवार वाले। ये मजाक नहीं है, वो तो चाहते हैं कि मैं पेशेंट का हाथ पकड़कर उनका हाल जानूं, मगर मेरा सपना है कि मैं एक सिंगर बनूं और अपने हाथों में माइक पकड़कर गाने गाऊं। अभी मैं ये नहीं कहती कि मेरी फैमिली मेरे लाइफ के बारे में गलत सोचती है, बट क्या मुझे अपनी जिंदगी जीने का हक नहीं है? समटाइम्स आई हेट माई सेल्फ, लेकिन पहले और आज में सिर्फ एक फर्क है। आज तक जब भी ऐसा सिचुएशन आया तो मैं खुद ही सोचती रहती, खुद को दोष देती और चुप हो जाती, मगर आज तुमसे शेयर कर सकती हूँ, यही मेरे लिए काफी है। मेरा और म्यूजिक का कोई रिश्ता नहीं है अभी, छोड़ो ये सब। आओ। पर कहाँ? अभी अभी सुनो तो, ये मुझे कहाँ लाए हो? मैं सिर्फ 6 साल का था माया जब माँ गुजर गई, तब ये भी नहीं पता था कि मरना क्या होता है। सोचता था बहुत रोऊंगा तो माँ वापस आ जाएगी, जब मन उदास होता यहाँ आकर रो लेता। तब वो मेरी जिंदगी में आया, और हमारी इतनी दोस्ती भी नहीं थी, मेरा दर्द समझने की उसकी उम्र ही नहीं थी, बस एक दोस्त था। पर जब मैं माँ के गम में था तब वो फरिश्ता बनकर आया और मेरा हाथ थाम कर उस गम से बाहर निकाला। मुझे लगा इस गम से निकल ही नहीं पाऊंगा, पर मैं तो काफी आसानी से निकल गया। लाइफ की किसी भी सिचुएशन को उससे कंपेयर करूं तो सब सिंपल लगता है। तुम्हारी भी कुछ यही हालत है। डॉक्टर को 2400 घंटे काम करने की जरूरत नहीं, बस 8 घंटे देने हैं, उतने काफी हैं। अपने सपनों को पूरा करो। लाइफ्स ऑल अबाउट बैलेंसिंग माया। क्या कहा था तुमने? आई हेट माई सेल्फ। हम अपने आप से प्यार नहीं करेंगे तो कोई भी हमसे प्यार नहीं करेगा माया। पर सब सचिन और सानिया की तरह लकी नहीं हो सकते। एक बार गा के तो देखो, पता तो चले सुर है या शोर है। क्या शोर? क्या मतलब है तुम्हारा? जब तुम मुझे बाथरूम में गाते हुए सुनोगे तब पता चलेगा मेरा टैलेंट क्या है। तो तुम्हारा टैलेंट देखने के लिए मुझे तुम्हारे बाथरूम में आना पड़ेगा। प्यार क्या इसे ही कहते हैं? तो फिर शुरू हो गई। दोस्त है मेरा इसलिए इतनी क्लोज हूँ। तुम उससे इतनी क्लोज हो, ये प्यार नहीं तो क्या है? उसने प्रपोज कर दिया तो? वो वैसे टाइप का नहीं है, वो एक समझदार लड़का है। माया, नेक्स्ट वीक में जो कॉन्सर्ट परफॉर्म कर रहा हूँ उसमें तुम गाओगी। थैंक्स अभी। क्या ये बियर खत्म होने से पहले कुछ सवाल पूछो? बियर विद अभी है? पूछो। तुम्हें अपने दोस्तों की कौन सी बात पसंद नहीं? जब सबको चढ़ जाती है और मुझे नहीं चढ़ती तो मुझे उनका टॉर्चर सहना पड़ता है। और उनकी कौन सी बात पसंद है? जब किसी को नहीं चढ़ती, सिर्फ मुझे चढ़ती है और वो मेरा टॉर्चर सहते हैं। फ्रेंड और बेस्ट फ्रेंड में क्या फर्क है? फ्रेंड वो होता है जो हमारी बीती कहानियां सुनता है, बेस्ट फ्रेंड उन कहानियों का हिस्सा होता है। अगर हम हॉस्पिटल में एडमिट है तो हमारा फ्रेंड हमसे पूछेगा कि अब तुम्हारी तबीयत कैसी है,
बेस्ट फ्रेंड पूछेगा नर्स कैसी है। अभी आज तुम बहुत फॉर्म में लग रहे हो। ये तो बियर का कमाल है। दोस्ती और प्यार में क्या फर्क होता है? सच्चा दोस्त वो होता है जो हर वक्त साथ देता है, पर जब किसी के बिना जी नहीं सकते वो हमारा प्यार होता है। जो तुमसे प्यार करता है तुम उससे क्या एक्सपेक्ट करोगे? रोना। क्या कहा? रोना। हम दूसरों के लिए हंसने की, गुस्सा होने की एक्टिंग कर सकते हैं, रोने की एक्टिंग नहीं कर सकते। अगर कोई हमारे लिए रो रहा है तो वो दुनिया में सबसे ज्यादा बस हमसे ही प्यार करता है। क्या तुम कभी किसी के लिए रोए हो? आज तक मौका ही नहीं मिला। डोंट वरी, बहुत जल्दी मौका मिलेगा। अब तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गए हो। इट मीन्स अ लॉट। फैमिली को कन्विंस कर पाऊंगी या फिर डॉक्टर बनकर जिंदगी गुजारूंगी पता नहीं। कल चाहे मेरा फ्यूचर जो भी हो मगर म्यूजिक नहीं छोड़ूंगी। क्या हम रिहर्सल करें? उस दिन पहली बार ऐसा लगा कि माया दिल ही दिल में मुझसे प्यार करने लगी है, और यही खुशखबरी लेकर मैं वासु के घर पहुंचा। हाँ मैंने तो कहा था। आओ अभी आओ, अगर वासु नहीं होगा तो घर में नहीं आओगे। कहाँ है वो? थैंक्स रम्या। आ गए बेटा। हाय अंकल। हाय। कहाँ है बे? अरे अचानक कैसे आ गया? मुझे बोल देता स्टेशन आ जाता। हाँ यार प्रोजेक्ट खत्म हो गया तो आना पड़ा। ये माया है। माया ये अभी है मेरा जिगरी दोस्त। वासु मामा जी घर जा रहे हैं, आके मिल लो। हम जरा मामा का दूध का कर्ज उतार के आते हैं। चलो। ठीक है जी, लड़की बहुत अच्छी है। जैसा आप बहुत अच्छी। बड़ी देर लगा थी बेटा, अब घर चले। बेटा आ गई तुम? अच्छा मैं चलती हूं। ओके बाय बाय। महीनों में इसे नौकरी मिल जाएगी। अगर इसने पहले ही हाँ कर दी होती तो मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। सही कहा ना? क्या दादी, आपको और कोई काम नहीं है क्या? इस उम्र में मैं और कुछ कर सकती हूँ क्या? बस इनकी शादी हो जाए।